हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के जो हम सीखने वाले स्टेट का चैप्टर नंबर 3 संभावना। ये चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके अंदर मैंने फॉर्मूले बेस्ड सम सॉल्व कराए थे। वो जो सम्स थे वो यहाँ पर ये जो फॉर्मूले थे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए थे और उसके बेस पर सम सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन नंबर 48 जो 2007 का था और क्वेश्चन नंबर 54 2014 का, ये दो सम्स मैंने सॉल्व कराए थे जो बहुत मोस्ट टाइम पे सम्स थे। उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप चेकआउट कीजिएगा और उसे भी सीख लीजिएगा। बात करते हैं आज के इस वीडियो की, तो जो फॉर्मूले के बेस पर और भी बहुत सारे सम्स हैं, तो आज की वीडियो में वो सारे सम्स कंप्लीट में कवर कर लूंगा जिससे फॉर्मूले बेस वाले सारे सम्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वाले वीडियो में मैं थोड़े जो टिपिकल थियरी वाले सम्स हैं वो सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो सम्स लेने वाला हूँ वो सम्स मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 46 का। ये भी फॉर्मूले बेस्ड सम्स है, उसका बी सॉल्व करने वाला हूं मैं। तो सम्स को रीड कर लेता हूं जो यूजीडी 2005 का सम्स है। यहां लिखा गया ए बी सी या तीन घटना दी गई इस बार, परस्पर निवारक अन्य निश्चित घटनाओं छे। परस्पर निवारक की एक पूरी परिभाषा डेफिनेशन है। परस्पर निवारक इन शॉर्ट में बोलूं तो क्या होता है कि जो भी घटनाएं दी गई ना उनके बीच इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन जो होगा फाई होगा, नील होगा, जीरो माना जाएगा। अब निशेष घटना मतलब क्या होता है कि सारी घटनाओं का कुल योग कितना माना जाएगा, एक माना जाएगा, यूनियन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए सम्स सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, जो पर सम्स देखिए कैसे दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ इज इक्वल टू करके दिया हुआ है सलंग कंटिन्यूस कि 2PA इज इक्वल टू 3PB बराबर 4PC। अब फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। इसकी जगह ए यूनियन बी भी हो सकता है, ए यूनियन सी भी हो सकता है। तो सॉल्व तो ऐसे ही करना है। तो देखना कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबकी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर है 46 यूनिवर्सिटी 2005 का सम्स है। तो सबसे पहले सम्स में दिया गया 2PA इज इक्वल 3PB इज इक्वल 4PC। ओके, तो पहले इंडिविजुअल ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उनकी प्रॉब्लिटी। तो क्या करना चाहिए कि सबके इक्वल एक वैल्यू एज्यूम कर लो, वैल्यू नहीं सॉरी के ए से लेकर जेड में से कुछ भी एज्यूम कर लो। जैसे मैं यहाँ के एज्यूम कर लेता हूँ पर, जिससे हम ए बी और सी की कुछ वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तब क्या करना है, जो इक्वल माना गया के वो हर एक के इक्वल लिख देना है। मतलब स्टार्टिंग का जो 2PA उसके इज इक्वल टू के हो जाएगा, वैसे जो 3PB है उसके इज इक्वल टू के हो जाएगा, और जो 4PC है उसके इक्वल टू के हो जाएगा। अब क्या होगा, जो इंटू में 2 है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे लिए बन गई के डिवाइड में 2। ओके, वैसे बी की वैल्यू यहाँ पे इंटू में 3 है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो बन जाएगा के डिवाइड में 3 और यहाँ पर 4 है, तो सी की वैल्यू बन जाएगी के डिवाइड में 4। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वो के की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे लिखा गया था ये जो भी घटना है ना वो कैसी है, परस्पर निवारक है और साथ साथ में क्या निशेष घटना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि तीनों घटनाओं का जो यूनियन होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा 1। निशेष मतलब क्या होगा 1। अब परस्पर निवारक मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, इंटरसेक्शन इनके बीच नहीं होगा, नील होगा। इसके लिए आगे जो इंटरसेक्शन का सेक्शन होता है वो नहीं आएगा, इज इक्वल टू डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अब ए बी सी की जो हमने एज्यूम वाली वैल्यू फाइंड आउट की है वो रख देना है, जिसे हम के की वैल्यू निकाल सके के इंटू 2, बी की वैल्यू के डिवाइड में 3 प्लस के डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो एलसीएम 2 3 4 का कितना ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, फिर 2 का भी डिवाइड जाता है 3 का भी 4 का भी, तो 2 का डिवाइड जाएगा 6 टाइम 6 के हो जाएगा, 3 का जाएगा 4 4 के, 4 का जाएगा 3 3 के इज इक्वल टू 1। तो 12 या इंटू में चला जाएगा डिवाइड का, 1 के इंटू में आएगा तो 12 हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस हो जाएगा 13 के हो जाएगा, राइट ना। तो के का क्या आंसर हो जाएगा, के इज इक्वल टू 12 डिवाइड में 13। तो के का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट हो चुका है, तो सारे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया सम्स में, किसका यूनियन बोला गया है, बी यूनियन सी बोला गया है। तो क्या करना रहेगा, बी यूनियन सी बोला गया है, तो डायरेक्टली बी की वैल्यू
प्लस सी की वैल्यू करना रहेगा तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो बी और सी की वैल्यू पहले जो एज्यूम का निकला वो लिखिए, बी की है के डिवाइड 3 और सी की है के डिवाइड में 4। तो यहां पर बी की वैल्यू के डिवाइड में 3, सी की के डिवाइड में 4। तो पहले इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ 4 का इंटू हो जाएगा 4 के, यहाँ 3 का कर देंगे 3 के और डिवाइड में 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। तो 4 और 3 हो गया 7 के डिवाइड में 12। अब k की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की ना वो यहाँ पर रख देना है, तो k की वैल्यू आया है 12/13। तो यहाँ पर क्या होगा 7/12 और k की वैल्यू कितना आ गया दिया फाइंड आउट किया था 12/13। तो 12 कट हो जाएगा तो 7/13 ये हमारा आंसर हो जाएगा बी यूनियन सी का। ये हो गया सॉल्यूशन। जब भी ऐसे इस इक्वल टू करके दिए रहेगा और सामने कोई वैल्यू ना हो तो हमें एज्यूम करना रहेगा। तो ये सब सॉल्व हो गया। एक और वीडियो सम सॉल्व करते फॉर्मूला बेस पर जिससे सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो एक और सम्स लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 49 का बी लेने वाला हूँ, 49 का मैं सी लेने वाला हूँ। जो सी के ना सारा आ जाएगा कुछ इसी टाइप का है, बट इक्वल करके लास्ट में वैल्यू दी हुई है 1/3 दिया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। पर यहाँ पे फाइंड आउट 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू फाइंड आउट करना है जो फॉर्मूले बेस पर हो, सारे फॉर्मूले इसमें आ जाएंगे जो 2008 में पूछा गया है। तो ये लास्ट जरूर दिखेगा जिससे आपको फॉर्मूले बेस पर सारी क्वेरी जो रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सम्स में क्या दिया गया, 3PA is equal to 2PB is equal to 4PA intersection B is equal to 1/3। तो पहले A, B और intersection की value individual हमको find out करने रहेगी। तो सबके बराबर 1/3 दिया हुआ है, तो सबकी value पहले find out कर देंगे, उसके बाद निकालना है union, intersection, ये oblique, सारे की सारी value find out कर देंगे। तो चलिए start करते हैं। तो सबसे पहले हम solve कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, उसका C है जो 2008 का पूछा हुआ सम से। तो यहाँ सी में लिख देता हूँ, पहले दिया गया 3PA उसके इज इक्वल दिया गया 2PB उसके इज इक्वल टू 4PA इंटरसेक्शन B और सबके इक्वल दिया 1/3 दिया है। तो इसके लिए सबके इक्वल 1/3 दिया गया, तो डायरेक्टली हर एक के इक्वल 1/3 लिख देना है। तो फर्स्ट 3PA के इज इक्वल 1/3 लिख देना है, सेकेंड 2PB उसके इक्वल 1/3 और यहाँ पर दिया गया 4A इंटरसेक्शन B उसके इक्वल 1/3। वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है, जो इनटू में 3 है वो क्या चला जाएगा यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/9 हो जाएगा, 3 into 3 1/9। तो A की वैल्यू हो गया 1/9 हो गया, वैसे यहाँ 2 है तो वो इनटू में चला जाएगा तो 1/6 हो जाएगा 3 into 2। तो ये वैल्यू हो गया B की वैल्यू हो गया 1/6। वैसे ही यहाँ इंटरसेक्शन के लिए इनटू में 4 है तो 4 इसके डिवाइड में जाएगा, तो 3 into 4 कितना हो गया 12। तो ये वैल्यू हो गया ए इंटरसेक्शन बी की। तो सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी ए की, बी की और इंटरसेक्शन की। अब हम सॉल्यूशन कर सकते जो भी मांगा गया है। तो पहला क्या मांगा गया है, ए यूनियन बी मांगा गया है, राइट ना। ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में सब डिस्कस किया हो तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, और सारी वैल्यू हमारे पास है। ए की वैल्यू कितनी है 1/9 प्लस बी की वैल्यू 1/6 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या 1/12। एलसीएम का ही हमें सॉल्यूशन करना है, 9, 6 और 12 इनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो, ऐसी वैल्यू जिसमें 9 का भी डिवाइड हो, 6 का भी हो, 12 का भी हो, तो कोई भी ऐसी वैल्यू डिसाइड कीजिए जिसमें तीनों का डिवाइड जाता हो। तो वैल्यू जैसे कि 36 है, 36 में 9 का भी डिवाइड होता है, 6 का भी होता है और 12 का भी होता है। आप ऐसे कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब 9 का डिवाइड जाएगा यहाँ पर 4 टाइम, 6 का डिवाइड जाएगा 6 टाइम, 12 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम। तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 3 7, 7/36 ये हो गया यूनियन का आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या मांगा गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कल के टॉपिक मैंने सॉल्व कराया हुआ है, तो अगेन क्लियर हो जाएगा आपको कैसे सॉल्व करना रहेगा। ये टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो फॉर्मूले बेस होते हैं उसमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या करना था, जब भी दो डैश रहेगा ना तो आपको अंदर का साइन चेंज करना है। ये इंटरसेक्शन है वो बन जाएगा यूनियन, और दो डैश का एक कॉमन निकाल लेना आउट ब्रैकेट 1 डैश। अब इसको डैश को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, पूरा घटना होती है ना, तो 1 में से माइनस करने देगा इसकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो 1 में से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देंगे। तो ऑलरेडी यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमको मिल चुकी है क्योंकि जो आंसर आ चुका है उसका यूज होता ही है। यूनियन इज इक्वल टू 7/36, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे 7/36। तो 36 माइनस 7 हो जाएगा तो आएगा 29/36, ये हो गया इसका आंसर।
थर्ड टॉपिक देखते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए से लाइक करते रहिएगा। बात करता हूँ थर्ड टॉपिक है B/A' का टॉपिक है, पर A डैश है यहाँ पर, देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। B/A' तो ऑब्लिक के लिए क्या होता है, ऑलवेज यहाँ पर इंटरसेक्शन आता है राइट ना, पर A पे क्या डैश है, इंटरसेक्शन B, अपन में क्या आएगा जो यहाँ पर बेस है ना A' है, तो अपन में A' ही आएगा। अब वैल्यू देखना कैसे निकालना है, तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू तो दी नहीं है राइट ना, A' इंटरसेक्शन B ये वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या है देखिएगा, मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे जो अंतर घटना होती है वो दिया गया है, A इंटरसेक्शन B' यहाँ पे A' इंटरसेक्शन B, तो ये वाला टॉपिक पूछा गया है A' इंटरसेक्शन B, तो B की अंतर घटना मानी जाती है, उसका फॉर्मूला है B- इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो पहले फाइंड करना है A' इंटरसेक्शन B, तो यहाँ फॉर्मूला होता है B- इंटरसेक्शन, तो हमारे पास B की वैल्यू भी है और इंटरसेक्शन की भी वैल्यू हमारे पास है, B की वैल्यू है 1/6 है और इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/12 है, तो दोनों की वैल्यू का यूज करेंगे, B की वैल्यू है 1/6 है, इंटरसेक्शन 1/12, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो 12-6 डिवाइड में 72 हो जाएगा, 6 डिवाइड में 72 और 72 का 6 में हम लोग डिवाइड दे देंगे तो जाएगा 1/12। ओके, तो अब क्या करना है, वैल्यू रख देना है जो आया 1/12। A' मतलब क्या होता है, A की पूरक घटना, जो A का वैल्यू दिया गया है कितना है 1/9, तो A' क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा 8/9, 1 में से माइनस कर देंगे ना, तो ये हो गया A' मतलब 8-9 हो जाएगा, फाइनल क्या होगा 1/12 है, इंटू में आ जाएगा 8/9, तो हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, और 9 और 12 3 से कट करेंगे 3 टाइम और यहाँ पर 4 टाइम, तो हो गया 3/4 × 8 = 32, तो 3/32 उसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी कंप्लीट हुआ, आंसर है 3/32। नंबर 4 A'/B', ये भी ऑब्लिक करेंगे, इस बार दोनों पे डैश दिया हुआ है, देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा, वीडियो भले लॉन्ग हो रहा है पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। A'/B', तो आप वापस ऑब्लिक के लिए क्या करना है, दोनों पे आ जाएगा डैश A' यहाँ पर इंटरसेक्शन B' अपॉन में क्या आएगा B' आएगा। A' इंटरसेक्शन B' ऑलरेडी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ये जो दिख रहा नंबर 2 में पूछा गया था उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है 29/36, तो वो रख देना है। अपॉन में क्या B', तो B' निकालना पड़ेगा, तो B' मतलब जो ऑलरेडी B की वैल्यू 1/6 उसका डैश करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, 5/6। अब इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, जो इंटू में आ जाएगा डिवाइड का तो 6/5 हो जाएगा, और 6 से 36 6 टाइम जाएगा तो ऊपर 29 और नीचे इंटू हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, 29/30। लास्ट एंड फाइनल A/B'। ओके, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है टॉपिक की यूनियन हो दो पे ए सिंगल पे डैश हो, तो आई थिंक ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर A पे भी डैश होगा, डबल डैश होगा। ओके, तो नंबर 5 A'/B', तो अगेन दो डैश होने से अंदर का साइन चेंज कर देना है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और एक डैश कॉमन आ जाएगा, और डैश को सॉल्व करने के लिए 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी रहेगी, माइनस करनी रहेगी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपको सम्स में गिवन है 1/12, तो आंसर आएगा 11/12। ये भी सम्स हो गया कंप्लीट सॉल्व, जो क्वेश्चन नंबर 49 का सी था। तो ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कौन से वीडियो चाहते हो कौन से चैप्टर के वो भी जरूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो अपलोड रोज होते रहेंगे। थैंक यू।